मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है कि सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। दरअसल लोकायुक्त टीम ने 11 मई को राजधानी में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की संविदा पर नियुक्त सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के घर पर छापा मारा था। इस दौरान टीम ने 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने का खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस छापेमारी की कार्रवाई के बाद से ही हेमा मीणा की प्रॉपर्टी और खातों के मूल्यांकन की प्रक्रिया अब भी जारी है। बता दें, अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार भ्रष्ट इंजीनियर हेमा मीणा लगभग 4 साल में 98 एकड़ जमीन की मालकिन बन बैठी हैं। यह जमीन भोपाल, रायसेन और विदिशा जिलों के आसपास के इलाकों में खरीदी गई है, जहां हेमा ने लाखों रुपए खर्च करके फसल रखने के लिए निजी वेयर हाउस और पॉली हाउस भी बनवाए। इस पूरी मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने की बात तो यह है कि 30,000 की मासिक सैलरी वाली हेमा मीणा ने 2 एकड़ जमीन पर 20,000 वर्ग फीट में आलीशान फार्म हाउस बना रखा है, जहां 30 लाख रुपए की टीवी लगा रखी है। घर के बाहर 10 लग्जरी कारें, करोड़ों के कृषि उपकरण खड़े हैं। इतना ही नहीं, फार्म हाउस के गेट पर भी चौकीदार तैनात रहते थे, जो वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। अब समझते हैं कि इंजीनियर हेमा मीणा आखिर रडार में आई तो आई कैसे। दरअसल साल 2020 में लोकायुक्त को सहायक इंजीनियर रह चुकी हेमा मीणा के खिलाफ पहली शिकायत मिली थी, जिसके बाद से ही लोकायुक्त टीम द्वारा लगातार हेमा मीणा की मॉनिटरिंग की जा रही थी। और जैसे ही शिकायत का सत्यापन हुआ, लोकायुक्त टीम ने बुधवार सुबह 6 बजे हेमा मीणा के घर छापामारी करवाई। बता दें कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद कॉर्पोरेशन अध्यक्ष कैलाश मकवाना के निर्देश पर हेमा मीणा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्रदेश तक।